बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स विल बी फाइन। टुडे इज़ 21 जुलाई 2020, ट्यूसडे, लेक्चर नंबर 9, एंड योर डायरी इज सब्लिमेशन प्लस डिस्टिलेशन, बुक पेज नंबर 53, एंड योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, ये आप लोगों ने लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर। सब्लिमेशन, what is sublimation? Get in the process in which a solid on heating directly changes into gas or vapor state is called sublimation। यानी कि हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है, ठीक है, उसको हम लोग हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे। कोई भी चीज़ है, जब उसको गर्म करते हैं, सबसे पहले सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड में जाएगी, लिक्विड से वो गैशियस स्टेट में जाएगी। लेकिन सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट वो हमारे पास गैस या वेपर स्टेट में जाएगी, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी। इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या है? कोई सॉलिड चीज़ है, उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो पहले उसमें वाटर की फॉर्म में नहीं जाएगी, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगी, डायरेक्ट ही वो गैस में या वेपर स्टेट में जाएगी, एंड दिस इज सब्लिमेशन। वी कैन यूज दिस प्रोसेस टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इफ वन कंपोनेंट हैज अ प्रॉपर्टी टू सब्लाइम। कहते हैं कि हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। हमारे पास मिक्सचर में ऐसे कंपोनेंट ज़रूर होने चाहिए जिनमें से जिनकी मतलब सब्लाइम करने की प्रॉपर्टी हो, मतलब जिनमें वो क्वालिटी पाई जाती हो कि उनको हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारे पास पहले लिक्विड फेज में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट हमारे पास गैसियस फेज में जाएंगे। तो उन कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं किस प्रोसेस से? सब्लिमेशन के प्रोसेस से। पुट अ फ्यू बाल्स ऑफ नेफ्थालीन इन योर कबर्ड विद क्लॉथ्स। आप लोगों ने नोट किया होना है कि आप लोग कबर्ड्स वगैरह में ना नेफ्थालीन है, ये मिलती हैं, टैबलेट्स मिलती हैं उसकी ना, होती हैं सॉलिड वाइट कलर की, तो वो आप लोग कबर्ड्स वगैरह में रखते हैं। कहते हैं वो आप लोग रखते हैं, यू विल नॉट फाइंड दिस बॉल्स आफ्टर सम मंथ्स। लेकिन कुछ महीने गुजर जाने के बाद आपको वो नज़र नहीं आती। वो कहाँ पर जाती हैं? कहते हैं वेयर डू द बॉल गोज, वो जो नेफ्थालीन की बॉल्स आपने रखी होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं? इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग डैट ऑन कूलिंग द वेपर अगेन रिटर्न टू सॉलिड। वो वेपर में वो डायरेक्ट हमारे पास गैशियस या वेपर फॉर्म में चली जाती हैं, इसलिए हमें कुछ महीनों के बाद वो नेफ्थालीन की जो बॉल्स रखी होती हैं वो नज़र नहीं आती, वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजरती हैं। लेकिन कहते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास हम दोबारा से अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, उनको कूल करेंगे तो वो दोबारा से हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगी। देखें, अगर सॉलिड थी ना कोई चीज़, ये एरो यहाँ पे इस तरफ को गया हुआ है, सॉलिड को हमने हीट किया, गर्म किया, तो वो किस में चली गई? वेपर में, लिक्विड फेज में आई नहीं। अब ये जो वेपर है इनको अगर कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये अगेन किस में आ जाएंगे? सॉलिड में आ जाएंगे। और यही हमारे पास क्या है? सब्लिमेशन है। तो नेफ्थालीन की जो बॉल्स रखते हैं उनके साथ भी यही होता है कि आप लोग रखते हैं और कुछ महीनों बाद वो गायब हो जाती हैं। वो कैसे गायब होती हैं? हीट मिलने से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब और कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी सब्लिमेशन जो सब्लाइम होने की प्रॉपर्टी होती है जिनमें, वो देखते हैं। एक आयोडीन है, आयोडीन में सब्लाइम होने की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो डायरेक्ट हमारे पास सॉलिड से वेपर में जा सकता है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नुशादर भी बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड हम लोग डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं। अमोनियम क्लोराइड आप लोग जो कफ मेडिसन होती है ना उनमें भी यूज़ होता है ये नुशादर अमोनियम क्लोराइड। अब कैम्फोर, इसको कैफोर भी बोलते हैं। अब इसका क्या यूज़ होता है? कहते हैं ये हमारे पास, आप इसको पेन किलर के तौर पे समझ लें, यूज़ करते हैं। हमारे पास जो क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं और लोशंस वगैरह होते हैं ना, उनमें ये कैम्फोर यूज़ होता है। ये पेन को रिलीफ करने के लिए, इरिटेशन के लिए या फिर ईचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एंड नेफ्थालीन है द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम, और नेफ्थालीन के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ये वाइट कलर की हमारे पास क्रिस्टल बॉल्स होती हैं और इनकी भी सब्लाइम करने की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास सब्लिमेशन जो जो जिन जिन कंपोनेंट्स को हम सब्लाइम कर सकते हैं वो आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है और कैम्फोर है। तो आप लोग अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट 3 देखें। यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। उन्होंने कहा कि आप सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पे देखें ज़रा,
ये है हमारे पास सब्लीमेशन। डिस्टिलेशन का आगे हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है, यहाँ से यहाँ तक और ये आगे भी है, ये सब्लीमेशन क्या है। डिस्टिलेशन का आगे हम पढ़ते हैं और साथ में वो भी मार्क कर देते हैं। ये यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक मार्क कर लेना है। अब नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। अब हमारे पास डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन भी एक मेथड है जिसमें हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। कहते हैं मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड विद एन अदर मेथड कॉल डिस्टिलेशन। एक तो सब्लीमेशन है जिससे हम मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और एक हमारे पास डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, कहते हैं इफ़ वन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मिक्सचर में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और डिस्टिलेशन हम किन की कर सकते हैं, अगर हमारे पास मिक्सचर है उसमें जो दो चीज़ें पाई जाती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डिफरेंट हो, ठीक है। यानी कि एक का फॉर एग्जांपल 90 है और एक का हमारे पास 70 हो बॉइलिंग टेम्परेचर, तो उनको हम लोग डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, डिस्टिलेशन इज़ द मेथड, डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा अमल है बाय विच टू आर मोर लिक्विड इन सोल्यूशन आर सेपरेटेड। हमारे पास एक सोल्यूशन है उसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्या हैं, दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स हैं, आर सेपरेटेड बाय बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड। हम उस सोल्यूशन को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग इट इन एन अदर कंटेनर। इसमें वो हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास दो लिक्विड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक का 70 हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है और एक का हमारे पास है 90 बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, 70 वाला लो बॉइलिंग पॉइंट है और 90 वाला ज़्यादा है। जब सॉल्यूशन में ये दोनों ही मौजूद हैं, इसको हमने क्या किया, हीट देंगे, इसको हीट देंगे, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, ये वेपर की फॉर्म में आ जाएगा, वेपर की फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम किसी दूसरे कंटेनर में, वो जो वेपर्स हैं उन वेपर्स को किसी दूसरे कंटेनर में डाल लेंगे, उसमें डाल के तो उनको कंडेंस करेंगे, तो ये हमारे पास अलहदा हो जाएगा और ये बाकी जो बचेगा उसको भी हम इसी तरह सेपरेट आउट कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम इसी तरह ही करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, डॉक्टर्स यूज डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शंस। अब डॉक्टर्स जो है वो इंजेक्शंस में भी कौन सा पानी यूज़ करते हैं, वो डिस्टिल्ड हुआ वाटर यूज़ करते हैं। इन सम कंट्रीज लाइक कुवैत एंड सऊदी अरेबिया सी वाटर इज़ पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। अब जो सी वाटर है हमारे पास वो पीने के काबिल नहीं होता, इसमें बड़े ज़्यादा साल्ट होते हैं, तो कहते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज हैं कुवैत और सऊदी अरेबिया, वो सी वाटर को डिस्टिल्ड करके तो पीने के काबिल बना सकते हैं। और डिस्टिल कैसे किया जाता है वो पीछे हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ लिया सारा। क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। अब हमारे पास जो खाम तेल होता है वो भी एक चीज़ से नहीं, वो भी हमारे पास मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल में पेट्रोल, तार ऑयल, ये सारी चीज़ें हमारे पास, और कैरोसिन गैस, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो क्रूड ऑयल है ना उसमें डिजॉल्व होती हैं। तो अब अगर हमने उसमें से पेट्रोल को निकालना है, तार को निकालना है, ऑयल को या केरोसिन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे और उनमें से ये सारी चीज़ें अलहदा कर लेंगे। इन एन ऑयल रिफाइनरी द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल। कहते हैं जो ऑयल रिफाइनरी है ना, उनमें अगर हमने इनमें से किसी भी क्रूड ऑयल में से हमने कोई भी एक चीज़ निकालनी है, तो क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे और हम अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ उसमें से निकाल सकते हैं। तो आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 था उसमें उन्होंने पूछा हुआ था, एक तो सब्लीमेशन वो हमने यहाँ तक मार्क कर लिया, साथ में उन्होंने डिस्टिलेशन का पूछा हुआ था और वो आप लोग मार्क करेंगे यहाँ से। ये डिस्टिलेशन इज़ द मेथड यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आप लोग, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।